एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास जाता है। उस समय वो सभी को उपदेश दे रहे थे। व्यक्ति उनके उपदेश के बीच उन्हें टोक कर कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, मैं इस तरह आपके वचनों को बीच में काट रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे आपसे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। व्यक्ति को इस तरह अशांत देख महात्मा उसके मन की चिंतित मनोदशा को समझ जाते हैं और कहते हैं कि पूछो वत्स, जो पूछना है, जो मन में प्रश्न है, बेझिझक पूछो। ये सुन वो व्यक्ति कहता है कि आपका धन्यवाद, जो आपने मेरे बात का मान रखा। दरअसल मुनिवर, समस्या ये है कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पा रहा। पहले मुझे मेरा लक्ष्य ज्ञात नहीं था, लेकिन अब वो ज्ञात हुआ है, तो मुझे मार्ग नहीं पता था, और जब मार्ग ज्ञात हुआ उस पर चला, तो अब बार बार असफल ही हो रहा हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल रही। आपके दिए गए उपदेशों के अनुसार मैंने हर तरह प्रयास किया, परिश्रम किया, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हुआ। इतनी बाधा मेरे साथ ही क्यों आ रही है, मेरे साथ ही इतनी समस्याएं क्यों हैं, आप ही कुछ बताएं। काफ़ी समय से मेरा मन बेचैन है, थक गया है, अब तो मैं भी हार गया। इस जीवन में मुझे कोई प्रकाश नहीं दिख रहा, आप ही बताएं मैं कैसे इस अंधकार को दूर करूं। उस व्यक्ति की सारी बात सुन महात्मा कहते हैं कि देखा जाए तो अंधकार हर किसी के जीवन में होता है। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, परेशान है, लेकिन इन सब समस्याओं का हल उन्हें स्वयं ही ढूंढना है। कोई और नहीं आएगा, उन्हें स्वयं ही प्रकाश लाना होगा। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन का अंधकार भी तुम स्वयं ही दूर करोगे, अन्य कोई और नहीं आएगा। ये सुन व्यक्ति कहता है कि मैं प्रयास करके देख चुका हूँ, लेकिन मुझे आशा की किरण नहीं दिख रही। दिख रहा है तो समंदर में डूबता हुआ मैं खुद। ये सुन महात्मा कहते हैं, यदि चाहो तो तुम स्वयं को बचा भी सकते हो, लेकिन जब खुद ही डूबना चाह रहे हो तो कोई क्या कर सकता है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि आपकी बातों से लग रहा है आप मुझे कोई सहायता नहीं दे सकते, मेरा यहाँ रुकना व्यर्थ है, मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। ये कहकर व्यक्ति जाने लगता है, तब महात्मा कहते हैं कि धैर्य रखो वत्स, इतनी जल्दबाजी करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। सफल होने के लिए धैर्य सबसे ज़रूरी होता है। आओ बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। महात्मा की बात मान व्यक्ति बैठ जाता है, तब महात्मा कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक बार एक राजा युद्ध में हार जाता है। युद्ध बहुत भयंकर होता है, राजा के सभी सैनिक साथी मारे जाते हैं, लेकिन राजा जैसे तैसे स्वयं के प्राण बचा भाग जाता है और जाकर एक गुफा में छुप जाता है। शत्रु राज्य के सैनिक उसका पीछा करते हुए जाते हैं, लेकिन राजा को ढूंढ नहीं पाते और लौट जाते हैं। राजा सोचता है कि अभी बाहर निकलना खतरनाक है, अभी यहीं छुप जाना चाहिए। यही सोच वो रात में गुफा में रह जाता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद जोर से एक बड़ा झटका लगता है और गुफा के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिर जाता है और गुफा बंद हो जाती है। ये शोर सुन राजा की आंख खुल जाती है, वो देखता है कि वो गुफा में
बंद हो गया है। ये देख वो भाग कर जाता है और पत्थर हटाने का प्रयास करता है, लेकिन वो हटा नहीं पाता और तब चुपचाप आकर सिर पर हाथ रख बैठ जाता है और अपने भाग्य पर दुख जताने लगता है कि उसका भाग्य कितना खराब है। वो सोचता है कि पहले मैं युद्ध में सब कुछ हार गया और अब इस गुफा में फंस गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, यहां से कैसे निकलूं। राजा बहुत दुखी होता है और 2 दिन तक ऐसे ही गुफा में पड़ा रहता है। भूख और प्यास के कारण उसकी हालत खराब हो गई थी। राजा को ये लगने लगा था कि सैनिकों से तो प्राण बचा, वो भाग आया, लेकिन अब नहीं बच पाएगा और यहीं मर जाएगा। ये सोच सोच रात भर वो बहुत दुखी होता है। उसने सारी आशा खो दी थी। तभी राजा को उसके गुरु द्वारा सिखाई गई एक बात याद आ जाती है कि जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। गुरु की बात याद कर राजा के मन में भी ये विचार आता है कि यदि मैं सैनिकों से स्वयं के प्राण बचा सकता हूँ तो इस गुफा से भी निकल ही सकता हूँ। और इसी सोच के साथ वो स्वयं को प्रेरित करता है, हिम्मत देता है और गुफा के भीतर से पत्थर हटाने का प्रयास करने लगता है। लेकिन इतना आसान कहाँ था। राजा भूखा प्यासा तुरंत थक जाता है। वो रोज़ पूरा दिन उस पत्थर को हटाने का प्रयास करता और रात में वहीं सो जाता। धीरे धीरे राजा की हालत खराब होने लगी थी। 8 दिन हो गए थे, राजा यूं ही भूखा प्यासा था। जब राजा ने ये देखा कि अब वो और अधिक यहाँ नहीं रह पाएगा, उसने अपनी सारी शक्ति पत्थर हटाने में लगा दी कि या तो आज ये पत्थर हटेगा या फिर मेरे प्राण जाएंगे, लेकिन आज मैं इसे हटा कर रहूँगा। और तब राजा अपनी सारी शक्ति उस पत्थर को हटाने में लगा देता है। शाम होने को आई थी, लेकिन राजा रुका नहीं था। उसने प्रयास जारी रखा और तब अंत में जाकर हल्का सा पत्थर हट गया। ये देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसके भीतर एक उम्मीद की लौ जाग गई। उसने पुनः प्रयास जारी रखा। रात भर राजा सोया नहीं और पत्थर हटाने में लगा रहा। और अगली सुबह सूर्य की उगती किरण के प्रकाश के साथ राजा के जीवन में भी प्रकाश आया। उसने उस पत्थर को और थोड़ा हल्का हटा दिया और राजा बाहर निकलने का प्रयास करने लगा और धीरे धीरे निकलते निकलते बाहर निकल ही गया। राजा के हाथ पैर छिल गए थे, घाव हो गए थे। इतने दिन पत्थर पर हाथ मारने से, जोर देने से राजा के हाथ पांव सब जख्मी हो गए थे। लेकिन पूरे 9 दिन बाद राजा उस गुफा से निकला था। उसके जीवन में ये दर्द कुछ नहीं था जो बाहर निकलने की खुशी थी। उसने स्वयं को एक नया जीवन दिया था स्वयं के प्रयास से। और फिर राजा उस जंगल से चला जाता है एक नए राज्य, नए जीवन की ओर। इस कहानी के अंत में महात्मा कहते हैं कि यदि राजा ने यह सोच लिया होता कि वो बाहर नहीं निकल सकता तो वो शायद ही जीवित होता। लेकिन स्वयं को जीवित रखने की जिद ने, स्वयं को बाहर निकालने की जिद ने राजा को बाहर निकाल ही दिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि राजा ने इतनी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी, जीतने का प्रयास जारी रखा। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यदि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पता है, मार्ग पता है, उस पर कैसे जाना है ये तक पता है, तो तुम ज़रूर सफल होंगे। लेकिन बस यहाँ ज़रूरत है तो स्वयं के भीतर से जीतने की ललक, लगन, धैर्य और प्रयास की। बेशक तुम आज बार बार असफल रहे हो, लेकिन
कल तुम जरूर सफल होंगे, बस स्वयं की तरफ से हार मत मानो, प्रयास जारी रखो, क्योंकि जब तुम सफल होंगे उस दिन ये असफलता के दुख से सफलता की खुशी बड़ी होगी। सोचो कहाँ भूल कर रहे हो, कहाँ कमी है, गलती है जो तुम सफल नहीं हो रहे, उस गलती को पकड़ो, उसे सुधारो, फिर से प्रयास करो, तुम एक दिन जरूर सफल होंगे, बस धैर्य रखो, ये बहुत जरूरी है। महात्मा की बात सुन व्यक्ति बहुत प्रेरित होता है, उसके भीतर एक नया जोश आता है और वो इसी जोश के साथ अपने लक्ष्य की तरफ निकल जाता है। अब वो समझ गया था कि सफलता मिलने तक उसे अब हार नहीं माननी है, बस प्रयास जारी रखना है। अतः आपके भीतर यदि जीतने की जिद है तो आपको असफल कोई नहीं कर सकता। सफलता तब ही मिलती है जब आप स्वयं के भीतर से असफल नहीं होते। आशा करते हैं ये कहानी की सीख आपको समझ आई होगी। और भी अधिक ज्ञान के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार ज़रूर सुनें। धन्यवाद।